दोस्तों, जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर कोई एक टॉप का स्टार बनने का सपना लेकर आता है, तो ऐसे कई बॉलीवुड सितारे हैं जो जब बॉलीवुड की दुनिया में बहुत हिट हो जाते हैं तो वो अपने पुराने रिश्तों को खत्म कर नए रिश्ते बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्टार्स से मिलवाने वाले हैं जो फेमस हो जाने के बाद अपने पार्टनर्स को धोखा देते हुए नजर आए। सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। तो सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड में कदम रखने से पहले टेलीविजन का एक जाना माना नाम थे। सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे टेलीविजन की दुनिया का सबसे पॉपुलर कपल माना जाता था। पर जब सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में अपना करियर बनाया तो उन्हें बहुत सराहना हासिल हुई और देखते ही देखते सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन गए। तब सुशांत का दिल आया कृति सैनन पर और सुशांत ने अंकिता लोखंडे को टाटा बाय बाय कह दिया। अब अगर बात करें बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन की, आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी और जब ऐश्वर्या मॉडलिंग में स्ट्रगल कर रही थी तब उनकी जिंदगी में राजीव मूलचंदानी थे। राजीव और ऐश्वर्या दोनों मॉडलिंग के दिनों से ही एक दूसरे को जानते थे और उस समय पर डेट भी कर रहे थे। पर जब ऐश्वर्या को धीरे धीरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम मिला, नाम मिला और शोहरत मिली तो उन्होंने राजीव को बिना किसी बात के ही डंप कर दिया था और उनसे कन्नी काट ली थी। वहीं अगर बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत की बात करें तो कंगना रनौत जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में नई नई आई थी उस समय वो अध्ययन सुमन को डेट कर रही थी। कहा जाता है कि अध्ययन सुमन ने कंगना के शुरुआती स्ट्रगलिंग करियर में उनकी बहुत हेल्प भी की थी। पर जैसे ही कंगना रनौत ने गैंगस्टर फिल्म में काम करके रातों रात पॉपुलैरिटी हासिल की, उन्होंने अध्ययन सुमन का साथ छोड़ दिया। वहीं अगर बात करें बॉलीवुड के शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की, तो सोनाक्षी सिन्हा भी फेम सिनेमास के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य श्रॉफ को बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने से पहले डेट किया करती थी। पर जैसे ही सोनाक्षी ने दबंग फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री ली तो वो रातों रात बॉलीवुड की स्टार बन गई और उन्होंने आदित्य से बिना किसी वजह के ब्रेकअप कर लिया। अब बात करते हैं अर्जुन कपूर की। ये तो सभी जानते हैं कि अर्जुन कपूर पहले कितने मोटे हुआ करते थे और ऐसे में सलमान खान ने ही उनकी मदद की उनकी बॉडी बनाने में और इसी वजह से अर्जुन कपूर अपना ज्यादातर टाइम सलमान खान के घर पर ही बिताते थे। ऐसे में अर्जुन कपूर सलमान खान की बहन अर्पिता को डेट करने लगे, लेकिन जब अर्जुन कपूर ने अपनी बॉडी बना ली और उन्हें बॉलीवुड में अपना ब्रेक मिला तो उन्होंने अर्पिता से ब्रेकअप कर लिया। इस वजह से सलमान खान और अर्जुन कपूर के रिश्ते के बीच में बहुत बड़ी दरार भी आ गई थी और अर्जुन कपूर सलमान खान के बहुत बड़े दुश्मन बन गए थे। और अब जब अर्जुन कपूर ने बॉलीवुड में अपना थोड़ा बहुत नाम बना लिया है तो अब वो सलमान खान की एक्स भाभी यानी कि मलाइका अरोड़ा को डेट कर रहे हैं, जिस वजह से वो सलमान खान की हिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आ गए हैं। वहीं अगर बात करें बॉलीवुड के प्लेबॉय कहे जाने वाले रणबीर कपूर की, तो रणबीर कपूर बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले इमरान खान की वाइफ अवंतिका मलिक को डेट किया करते थे। अवंतिका उस समय टीवी सीरियल्स में काम किया करती थी और रणबीर अवंतिका से मिलने उनके सेट्स पर भी कई बार स्पॉट किए जाते थे। पर जब रणबीर बॉलीवुड में एंट्री करके एक फेमस स्टार बन गए तो उन्होंने अवंतिका से ब्रेकअप कर लिया और उसके बाद रणबीर का कितनी हीरोइनों के साथ नाम जुड़ा है और ब्रेकअप हुआ है ये तो सभी जानते हैं। वहीं अगर बात करें आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट अपने बचपन के दोस्त अली दादरकर को डेट करती थी। ये दोनों एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और बचपन से एक दूसरे को जानते थे। पर जब आलिया ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया तो उन्होंने अली को छोड़कर सिद्धार्थ मल्होत्रा का हाथ थाम लिया और उन्हें डेट करना शुरू कर दिया। वहीं अगर बात करें बॉलीवुड की पद्मावती यानी कि दीपिका पादुकोण की, तो दीपिका पादुकोण ने भी बॉलीवुड में नाम कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने से पहले दीपिका मॉडलिंग किया करती थी और अपने मॉडलिंग के दिनों में वो निहार पांड्या को डेट किया करती थी। पर जैसे ही दीपिका पादुकोण को ओम शांति ओम के लिए कास्ट किया गया उन्होंने निहार से ब्रेकअप कर लिया। वहीं बात करें बॉलीवुड के पावर पैक एक्टर रणवीर सिंह की, तो रणवीर सिंह भी अपने कॉलेज के दिनों से ही अहाना देओल को डेट किया करते थे
और अहाना को बहुत प्यार भी करते थे। लेकिन अनुष्का के साथ फिल्म बैंड बाजा बारात में डेब्यू करने के बाद रणवीर ने भी अहाना से ब्रेकअप कर लिया था। वहीं अगर बात करें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली प्रियंका चोपड़ा की, तो प्रियंका भी बॉलीवुड में अपना नाम बनाने से पहले असीम मर्चेंट के साथ काफी टाइम तक रिलेशनशिप में रही थीं। लेकिन जैसे ही प्रियंका मिस वर्ल्ड बनी, उन्होंने असीम से ब्रेकअप कर लिया, जिसके बाद असीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रियंका के खिलाफ बहुत उल्टा सीधा भी कहा था, जिसकी वजह से प्रियंका ने उन्हें लीगल नोटिस ही भेज दिया था। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के इन स्टार्स के बारे में जानकर कैसा लगा, जिन्होंने बॉलीवुड में नाम कमाने के बाद अपने प्यार को ही धोखा दे दिया? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक और ऐसी ही चटपटी खबर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।